फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि डिसीजन पहले भी ट्रंप के इस तरह के भोंगे से निकलते थे, तो अभी भी एज एन कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ज़्यादा। तो पाकिस्तान अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन वापस दे रहा है तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक दे रहा है। अब हमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए इसके अगेंस्ट, क्योंकि हम वी हैव सफर्ड अ लॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फंडिंग एंड एवरीथिंग। तो अब हमें उनको ये बताना चाहिए कि वी आर एनरिच्ड कंट्री और हम काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं, हमारे पास टैलेंट है, हमारा ही टैलेंट वो यूज़ करके अपनी प्रोग्रेस में यूज़ करते हैं, तो हमें वो टैलेंट खुद यूज़ करना चाहिए, उनको अबैंडन करना चाहिए ताकि हम खुद प्रोग्रेस करें और हम किसी पर रिलाय ना करें। इस तरह की पाबंदियों से ये चीज़ें ख़त्म तो नहीं होनी? ये उन्होंने मतलब बेसिकली स्टार्ट खुद ही कराया था, अब वो चीज़ इतनी एक्सपेंड हो गई कि उनसे खुद ही नहीं संभाली जा रही। तो आई थिंक सबको मिलके काम करना चाहिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ना कि ये इसका हल नहीं है कि आप एक चीज़ खुद ही स्टार्ट करो फिर दूसरे कंट्री को ब्लेम करके सारी फंडिंग आप रोक दो। पैसे दे के या मिलिट्री एड से तो ख़त्म ये नहीं होगा, बिकॉज इसको बनने में भी आइडियोलॉजी का बेसिकली काम है। तो आइडियोलॉजी प्रोपोगेट हुई थी उससे ये बना था, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगा था, एक एक आइडिया प्रोपोगेट हुआ था कि भाई ये हम लोग मुसलमान हैं, हमें इनसे लड़ना है, मुजाहिद हैं, दुश्मन है ये। तो ख़त्म भी इसी तरह होगा कि आपको बेसिकली एक आइडियोलॉजी लोगों को तक पहुँचानी है कि यार ये गलत है और ये इस्लाम नहीं है, ये फंडामेंटलिज्म नहीं है, तो उस तरह ख़त्म होगा। पैसे इस प्रॉब्लम की तरफ फेंकने से, एमिनेशन फेंकने से और आर्म्स फेंकने से ख़त्म तो नहीं होगा ये।